वेल नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्राची राठौड़ है। मैं MBBS एंड एमरजेंसी मेडिसिन कर चुकी हूँ फ्रॉम राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद से। आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस वुमेन और मैं अभी फ़िलहाल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की तरह काम कर रही हूँ। जी, आपकी जर्नी किस तरह? जर्नी तो बहुत बुरी रही थी। बस एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में, एंड वो एक ख्वाहिश के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। लाइक फैमिली से दूर, सोसाइटी में सब लोगों के ताने सुनना, गालियाँ सुनना, उन लोगों की बुरी नज़र से बचना, ये एक्चुअली कोई भी जंग से कम नहीं था मेरे लिए। बट सिर्फ मन में एक ही ख्वाहिश थी कि चलो कुछ करके ज़रूर दिखाना है, तब जाके सबके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। इसमें आपकी फैमिली का भी सपोर्ट था? फैमिली का सपोर्ट पहले था लेकिन अभी नहीं है। नहीं रहने का वजह भी एक वजह है, बिकॉज कोई माँ बाप नहीं चाहते कि अपने बेटी या बेटा ऐसा बने, तो उनके रेस्पेक्ट, उनके डिसीजन की रेस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज है। बस उन लोगों का आशीर्वाद रहे तो बस है, और कुछ भी नहीं। मैं MBBS मेरा कंप्लीट होने के बाद इमरजेंसी मेडिसिन करी थी। हाँ, जब वो टाइम पे मेरा आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करी, बट उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, पीठ पीछे बहुत बात करते थे लोग, लाइक ये कैसा चल रहा है, इसका क्या है एंड ऑल। लेकिन जब टाइम आया कि मुझे लगा अभी ये टाइम है कि मुझे अपना जेंडर रिवील करना है, वो टाइम पे जब मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करी थी, मुझे सीधा बोला गया कि आप कल से प्लीज़ जॉब को मत आइएगा। द ओनली रीज़न लाइक कि वो लोग ये सोच रहे थे होंगे कि शायद हम लोग एक ट्रांसजेंडर को एज अ डॉक्टर रखेंगे तो हमारे पास पेशेंट्स नहीं आएंगे, एंड उन लोगों को पैसे का ज़रिया था पेशेंट्स, तो उसकी भी रिस्पेक्ट कर ली है बस। तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस के लिए, सिक्योरिटी गार्ड से लेके IMA तक सब लोग ऐसे देख के हंस रहे थे, एंड ये भी पूछ रहे थे कि मैडम आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पे या फिर आपके कम्युनिटी वाले कोई यहाँ पे एडमिट हो क्या। हमने कोई जवाब नहीं दिया वो टाइम पे, लेकिन जब फर्स्ट डे हम लोग ज्वाइन हुए एंड जो स्टेथोस्कोप एंड एप्रॉन पहन के अंदर आए, वही IMA एंड वही सिक्योरिटी गार्ड्स गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्ते मैडम बोलना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब वो इतने अच्छे से हम लोगों को वेलकम करे कि कहीं पे भी एक पर्सन के लिए भी ये नहीं लगा कि लाइक हम लोग सबसे अलग है। कम्युनिटी को सपोर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं उस्मानिया में खड़ी हूँ। यस, अभी टाइम आ गया है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली और आगे बढ़ना चाहेंगे, एंड गवर्नमेंट से यही अपील है कि हम लोगों के लिए भी एक सेपरेट रिजर्वेशन सिस्टम रखे, ताकि मेरे जैसे 10 प्राचिया और आए, डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने और गवर्नमेंट सर्विसेज दे लोगों को। आपकी कम्युनिटी के कितने लोग यहाँ तेलंगाना में प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिलहाल तो हम दो ही हैं, आशा करते हैं कि और ज़्यादा होंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल, हम उस्मानिया हॉस्पिटल में ARTC सेंटर में 2 ट्रांस वुमेन को, लोगों को, डॉक्टर्स को रिक्रूट करना करा। इसके लिए वो ट्रांस वुमेन ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोलने के लिए हम एक महीने के टाइम के अंदर ट्रांसजेंडर का एक क्लिनिक ओपन कर रहे, उसके लिए और HIV पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए वो लोगों को रिक्रूट करना पड़ा। जो 3 दिन से वो लोग आ रहे, उसका सर्विसेस दोनों को यूज़ होता। ये लोगों का पेशेंट लोग वो बॉम्बे उधर इधर जाके पूरा पैसे खर्च करके वो ट्रीटमेंट सही नहीं ले रहे, उसलिए वो लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देना बोल के ये लोगों को रिक्रूट करना पड़ा। उससे फ़ायदा, वो लोगों को, कम्युनिटी को फ़ायदा होने के लिए हम ट्राई कर रहे। डॉक्टर है, इसमें ट्रेनिंग भी है वो लोगों को। ये लोग MBBS डॉक्टर फ्रॉम 1 मेलारेड्डी मेडिकल कॉलेज में, एक पढ़ के, एक रिम्स आदिलाबाद में एक पढ़ के ISO है। वो लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, इसमें काम करने का एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उनको हेल्प करने के लिए उसको वेलफेयर फंड्स को भी 5 करोड़ रुपये का गवर्नमेंट का फंड्स डोनेट करेगा। अमरक नया था, डायरेक्ट वेलफेयर फंड बोर्ड को दिए, उसके हिसाब से हम लोग उनके साथ साथ मिलके वो लोगों के लिए हेल्प, वेलफेयर करने के लिए, मेडिकल एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
हम तो इधर लोकल कॉन्ट्रैक्ट का है, ये गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट प्रेफरेंस देने के लिए रेडी है। उसको भी रिजर्वेशन देना बोल के कोर्ट में भी चल रहा है। वो लोगों को कितना अच्छा से अच्छा अभी का मेरे को मालूम है, सो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में ऐसा इम्पोर्टेंस दे रहे कि इधर भी कौन सा भी स्टेट में नहीं दे रहे। वो हमारा शुक्रिया हमारा सीएम चंद्रशेखर राव साहब को और कुपले ईश्वर साहब को, हरीश राव साहब को शुक्रिया। देवन में कुछ पास हो गया वो लोग आउटसोर्सिंग में, कॉन्ट्रैक्ट नॉट आउटसोर्सिंग दे आर कॉन्ट्रैक्ट। आउटसोर्सिंग बोले तो टेम्प्ररी रहता, कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यूअल भी हो सकता है, उनका काम अच्छा है तो उनको ट्रांसजेंडर के में भी डाल सकते हैं।